खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को बीजेपी में आने का न्योता दिया है। सुनिए सचिन पायलट को बीजेपी में आने का जो न्योता दिया गया उसमें क्या कुछ कहा गया। उनको बुलाना चाहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आवे। किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, गुजर भी किसान है, मीणा भी किसान है, और हम सब मिलकर राजस्थान की, विशेषकर पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को एक तरफ पूरी तरह से उखाड़ फेंके, कांग्रेस मुक्त कर दें पूर्वी राजस्थान को, उससे उनका स्वाभिमान भी बचेगा, सम्मान भी बचेगा, अस्तित्व भी बचेगा और उनके सम्मान की रक्षा हो पाएगी, स्वाभिमान की रक्षा हो पाएगी। तो मैं बुलाना चाहता हूं उनको भारतीय जनता पार्टी में। मैं इसलिए बुलाना चाहता हूं कि हमारी सारी लीडरशिप चाहती है कि ऊर्जावान व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आए। पार्टी चाहती है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं जब वसुंधरा जी सबसे पहले राजस्थान में थोपी गई थी, लाई गई थी, तो उनका सब विरोध कर रहे थे। तब मैं पहला आदमी था जो मैंने वसुंधरा जी का साथ दिया। ऐसा तो मैं नहीं कहता मेरे कारण सत्ता में आई, लेकिन उनका साथ दिया था। और आप सब जानते हैं दौसा के लोग कि जब दो बार राजेश पायलट साहब के अस्तित्व को खतरा हुआ तो हमने उनकी भी मदद की थी। आप सब जानते हैं कि जब गहलोत अल्पमत में रह गए थे, बहुमत नहीं आया था, तो परसादी लाल जी, गोलमा देवी, डॉक्टर किरोड़ीलाल, रामकिशोर सैनी सहित छः आदमी ने मिलकर उनकी सरकार बनाई थी। मेरा कहने का मतलब ये है, हम सदा दूसरों की संकट में मदद करते आए हैं। वसुंधरा जी की भी की, राजेश पायलट साहब की भी की, गहलोत साहब की भी की। अब चूंकि सचिन पायलट संकट में हैं और हमारे राजस्थान के बल्कि सारी जमीन दौसा में तैयार हुई है पायलट परिवार की, तो उनके अस्तित्व पर खतरा है, तो संकट की इस घड़ी में तो मैं भी पायलट साहब के साथ खड़ा हूँ। संकट की इस घड़ी में उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उस विश्वास के आधार पर, पार्टी के सोच के आधार पर मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का निमंत्रण देना चाहता हूँ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।